Hello friends, my name is Vakesh, mind trainer, life mind coach and with brain activator. आपने काफ़ी सारे लोगों ने आके मुझे कहा कि सर मिड ब्रेन एक्टिवेशन मुझे करना है, मिड ब्रेन करना है, लेकिन कम लोगों ने मुझे एक सवाल पूछा था, सर ये मिड ब्रेन एक हिप्नोटिज्म का एक कंसेप्ट है क्या? तो हाँ, ये हिप्नोटिज्म काफ़ी पेरेंट्स डर जाते हैं हिप्नोटिज्म के बारे में. आपको बता दो, हिप्नोटिज्म होता क्या है, हिप्नोसिस क्या होता है? ज़्यादातर लोग जानते नहीं है, बस इतना जानते हैं कि वो ऐसा ऐसा पेंडुलम लेते हैं, बस इतना वो जानते हैं और सामने वाला जो है वश में कर लेते हैं. तो ये हिप्नोटिज्म मानो कि किस तरह से काम करता है. देखो, हमारे दो ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट. हमारे जो लेफ्ट ब्रेन है, जो लेफ्ट ब्रेन है उसके पास 10% पावर है, राइट ब्रेन के पास ज़्यादा पावर है, जैसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं. हिप्नोटिज्म में क्या होता है कि हम हिप्नोटिज्म में हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है उसके जो कार्य है वो बंद कर देते हैं और राइट ब्रेन के कार्य को बढ़ा देते हैं. इससे होता क्या है कि एक जो ब्रेन है लेफ्ट ब्रेन, वो लॉजिकल पार्ट है, ये इलॉजिकल पार्ट है. अभी जो भी आपने देखा सुना अनुभव लिया है वो सारा का सारा हमारे अंदर जाता है, हमारे राइट ब्रेन में स्टोर होता है. राइट जो ब्रेन है इट इज़ लाइक हार्ड डिस्क होता है. अभी होता क्या है कि जब हिप्नोटिज्म किसी इंसान को करते हैं, जिसे ट्रांस अवस्था कहते हैं, ट्रांस अवस्था मानो ऐसी अवस्था है जहाँ पे आपको कॉन्शियस माइंड सो गया है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है. अभी जो भी हम कुछ कहेंगे, जो भी कुछ बोलेंगे, वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड सुनेगा और कार्य करेगा. तो ये जो कार्य करना है इसे ही हिप्नोटिज्म कहा गया है. ये हिप्नोटिज्म अगर देखा जाए तो हमारे डेली लाइफ में हमेशा होता है. तो हिप्नोटिज्म का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक चीज़ को बार 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 जब आप कहते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है और वो सबकॉन्शियस माइंड आपको वही चीज़ें दिखाता है. कैसे मैं बोलूँ, एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पर. हिप्नोटिज्म का फ़ायदा लेते हुए काफ़ी सारी जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है वो हमेशा हमें हिप्नोसाइज करती है. किस तरह से, अगर आपने कोई टीवी देखा है, टीवी पे आप हजारों एड्स देखते हो, जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो हमेशा ऐड आते हैं. ये ऐड क्या करते हैं, हमें हिप्नोटाइज करते हैं. हिप्नोटाइज मानो कि हमेशा बार 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 वही दिखाते हैं. अगर आप रोड पे चल रहे हो तो बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगते हैं, ये लगाने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी. पहली बार देखा कुछ नहीं होगा, दूसरी बार देखा कुछ होगा, तीसरी बार देखा तो आपको मन में एक छप जाएगा इमेज, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा यही लेना है मुझे, इससे ही मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी. तो ये जो हिप्नोसिस है हम हो जाते हैं. एग्जाम्पल में तो हम हिप्नोटिज्म की अवस्था में आ जाते हैं, ट्रांस की अवस्था, जब हम गाड़ी चलाते हैं ड्राइविंग करते हैं, उस समय पर हमें पता भी नहीं चलता रोड से क्या जा रहा है, कौन सी चीज़ क्या जा रही है. हम इतने मानो कि हमारे जो कॉन्शियस लेवल है वो पूरा नील हो जाता है, हम सब कॉन्शियस में गाड़ी चलाते हैं. अगर बिल्ली सामने आए तो ऑटोमेटिकली ब्रेक जो है, हमारा पैर जो है ब्रेक के ऊपर जाता है, हमारा कॉन्शियस ध्यान भी नहीं है, तभी भी ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है. तो हमारा जो हिप्नोटिज्म मानो ऐसा एक स्टेट आता है जहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड बंद होता है और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है. तो हिप्नोटिज्म ये कोई ऐसी एक चीज़ नहीं है जिससे मानो कि कुछ होता नहीं है, ये हमारी मन की अवस्था है, स्टेट है, ट्रांस है, जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव वेट होता है. एक चीज़ को बार 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 आप कहते हो तो हिप्नोसिस हो जाता है. एग्जाम्पल में बोलूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऐसे हाथ पकड़ने हैं, दोनों उंगलियों को ऐसे लेना है, ऐसे लीजिए, देखो मैजिक देखो हिप्नोसिस का, और आपको ऐसा करना है, मोबाइल पे साइड में रख सकते हैं, साइड में रखिए, ऐसा हाथ कीजिए और दोनों उंगली को देखिए. दोनों उंगली को देखने के बाद कहना है ये दोनों उंगली पास आ रहे पास आ रहे पास आ रहे पास आ रहे, चिपक रहे चिपक रहे चिपक रहे चिपक रहे चिपक रहे चिपक रहे चिपक रहे, और करीब आ रहे और करीब आ रहे और करीब आ रहे, पास आ रहे पास आ रहे पास आ रहे पास आ रहे, चिपक गए 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 चिपक गए, पास आ रहे पास आ रहे पास आ रहे करीब आ रहे. देखो ये जो दोनों उंगली है पास आने की कोशिश कर रहे हैं, ये इज कॉल्ड हिप्नोसिस. हिप्नोटिज्म इसे कहते हैं कि बार 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 आप जब कहते हो, बोलते हो, फील करते हो, फीलिंग इज मस्ट, तो वो ट्रांस में जाता है और आपको वो बाहर नतीजे देता है. सो इसका जो आप यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई के अंदर, जैसे आप कह सकते हैं कि मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मानो कि मैं हमेशा हेल्दी हूँ, इसे पॉजिटिव अफर्मेशन भी कहता है, कि जैसे मुझे हमेशा एनर्जेटिक फील होता है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ. बार 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 आप ये कहते हो तो आपका माइंड आपका बॉडी
इसका आपके शरीर के ऊपर असर पड़ता है। तो दिस वॉज द हिप्नोटिज्म, आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूँगा, ये आपको करना है घर पे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। सबकॉन्शियस माइंड से आप जुड़ सकते हो, अटैच हो सकते हो। देखिए ध्यान से, सो आपको क्या करना है, आपको जो है कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, जैसे दोरी हो सकती है, कोई रस्सी हो सकती है, जहाँ पे मैंने कुछ नहीं मिला इसलिए मैं चाबी ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे चाबी ले रहा हूँ। आपको क्या करना है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है हमसे बात कर सकता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड से हम कनेक्ट हो सकते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी है, 90% पावर होती है। ये सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए आपको आंखें बंद करनी है हमेशा, आपको 3 सेंस का यूज करना है, देखना, फील करना और बोलना। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझसे कनेक्ट हो रहा है, ये चाबी से कनेक्ट हो रहा है, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है चाबी से कनेक्ट हो रहा है, फील करना है, देखना है, बोलना है, और आपको जो है ये चाबी मेरे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाएगी। ये कोई जादू नहीं है, इट्स नॉट एनी मैजिक, ये आप घर पे कर सकते हैं, कोई भी रस्सी लेते हुए या फिर कोई भी आप चाबी, कोई कुछ भी हो, कुछ ऐसा लेना है, आपको जो है इसको अपने आई लेवल पे लगाना है, आई लेवल पे, और आपको इसको कहना है, आप सामने जाइए, पीछे आओ, सामने जाओ, पीछे आओ, जोर से सामने जाओ, पीछे आओ, और जोर से पीछे आओ, सामने जाओ, पीछे आओ, सामने जाओ, पीछे आओ, वाओ, और तेजी से, और तेजी से, ग्रेट, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, जोर से, और जोर से मैं चाहता हूँ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, और जोर से, ग्रेट, रुक जाओ, रुक जाओ, सर्कल में, सर्कल में, सर्कल में, क्लॉकवाइज सर्कल, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ग्रेट, और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से, ग्रेट, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ग्रेट, 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 ग्रेट। झूठ है, पता है मुझे, यही कहोगे करो ना, फिर आप एक बार करके देखो, आपको पता चलेगा हमारा जो ध्यान है, कॉन्शियस माइंड जो है कनेक्ट होता है हमारी चाबी के साथ, और चाबी जो है मानो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो कहता है, यहाँ पे मेरा ध्यान पूरा फोकस कहाँ पे था, आपके की के ऊपर। यहाँ पे मैंने वीडियो है इसलिए आपको परफेक्टली नहीं हो रहा है, आपको जो है चाबी जो है आपके आई साइट के लेवल पे लेनी है, आपकी थर्ड आई जो होती है वहाँ पे आपको चाबी लेनी है, आपको आके कुछ ऐसे करनी है, चाबी को देखते हुए आपको ऐसा करना है और अफर्मेशन देना है, आगे मुड़ो, पीछे मुड़ो, आगे मुड़ो, पीछे मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, आपके साथ ये कनेक्ट होती है। आप जो है एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप ऐसे मत बोलो झूठ है, खुद करो, देन यू विल सी द रिजल्ट। सो आपको ये करना है, एग्जांपल आपका सबकॉन्शियस माइंड से आप कनेक्ट हो सकते हो, चीज़ों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें करने से क्या होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है, इससे हमारा फोकस बढ़ता है, इससे हमारा जो है किसी ऊपर जो काम करने का जो भी अटेंशन है, फोकस है, वो डेवलप होता है, मेमोरी भी शार्प होती है, इसे त्राटक भी कहा गया है, या पेंडुलम जो होता है कुछ इस प्रकार, वो जो है ऑटो सजेशंस है, वो किसी को हिप्नोटिसिस, चीज़ों को हिप्नोटिज्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हिप्नोटिज्म एक माइंड पावर का कंसेप्ट है, जहाँ पे अल्फा स्टेट या माइंड पावर का यूज़ करके आप जो है खुद को डेवलप कर सकते हैं, खुद को चेंज ला सकते हैं बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो प्रोग्राम है, अमेजिंग प्रोग्राम है, थर्ड एक्टिवेशन, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू दोस्तों। क्या आप एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं जो इस सिचुएशन को आपको ऊपर उठाएगा? यस। क्या आप ऐसा करियर, ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जिसके अंदर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है? क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे अगर लॉकडाउन भी लग गया तो भी आपका बिजनेस चलता रहे? क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जिसके अंदर कोई रिसेशन नहीं है, कोई मंदी नहीं है? क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जिसको करते वक्त आपको खुशी मिले, आपके परिवार के लोग आपको तारीफ करें, क्या तो कितना बड़ा काम कर रहा है? इतना ही नहीं, क्या आप ऐसा भी बिजनेस करना चाहोगे कि जिसके अंदर आपको लोगों की दुआएं मिले? यस, दुआएं मिले। तो आप एक सही वीडियो देख रहे हो। ये पूरा बिजनेस मॉडल है क्या,
मैं पिछले 6 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ सक्सेसफुली। लॉकडाउन भी लग गया तभी मेरा बिजनेस शुरू था और मैंने लाखों रुपए मैंने कमाए हैं। और ज़रूर कहूँगा इस बिजनेस को आप एक बार ज़रूर सोच सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपके कोई फैमिली मेम्बर से उनको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ये वीडियो लंबा है, आपको इस वीडियो को देखना है। अगर टाइम नहीं है तो सेव करके रखिए, वीडियो सेव कीजिए और ज़रूर इस बिजनेस के बारे में एक बार सोचिए। दोस्तों मेरा नाम है योगेश, माइंड ट्रेनर, और मैं आपको ऐसा एक बिजनेस मॉडल बताने जा रहा हूँ। बिजनेस नहीं कहूँगा, एक ऐसा करियर कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे करियर शब्द सूट होता है। ये ऐसा करियर ऑप्शन है जहाँ पे आप लोगों की, बच्चों की ज़िंदगी बदल डालते हैं। मैं एक ऐसे करियर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है, या टीचिंग में इंटरेस्ट है, मानो सिखाने में इंटरेस्ट है, तो ये करियर आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। अगर आप नहीं सिखा सकते तो आपके फैमिली में आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, या फिर आपका भाई हो सकता है, कोई भी जो सिखाने में बहुत इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त करियर ऑप्शन है। और ऐसा करियर जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है, 98% लोग जानते नहीं है इस करियर के बारे में। यस, मेरे गुरु ने कहा था कि अगर तू दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उनकी समस्या का तेरे पास सॉल्यूशन है, तो और ज़्यादा अमीर हो सकता है। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मैं पिछले 6 साल से एक प्रोग्राम लाया हूँ और बच्चों को ये सिखाता हूँ। आज देखा जाए तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए काफ़ी खर्च करते हैं, जैसे मैं एक खुद पेरेंट हूँ, और बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो कितना भी पे कर सकते हैं। यस, हम खुद को सीखने के लिए पैसा नहीं खर्च करेंगे, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनको सफल बनाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए हम चाहे उतना पैसे खर्च करते हैं, लेकिन नतीजा क्या मिलता है हमें, उसका रिजल्ट क्या मिलता है, जो चाहे वो नतीजे शायद नहीं आते हैं। और ऐसा ही एक प्रोग्राम लाया हो जिसके अंदर हर एक बच्चे का कोई भी समस्या है, पढ़ाई नहीं करता है, टीवी देखता है, गुस्सा करता है, मानो कि वो इतना परेशान करता है मम्मी पापा को, और उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति में उन पेरेंट्स को अगर आप बाहर निकालते हो और उस बच्चे को आप जो है फेमस कर डालते हो, तो सोचो कितना स्कोप रहेगा। यस माय फ्रेंड्स, मैं ऐसी एक करियर की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ और सक्सेसफुली ये मेरा करियर, ये मेरा बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम है थर्ड आई एक्टिवेशन। यस, थर्ड एक्टिवेशन फॉर किड्स, 5 से 15 साल के बच्चों को एक ऐसा करियर जिसके अंदर आप लोगों को सिखा सकते हैं। थर्ड एक्टिवेशन, उनका थर्ड आई खोलवा के उनके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे सकते हो। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, गुस्सा नहीं कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो ये थर्ड एक्टिवेशन का जो है, इससे आप कोई भी बच्चों को जो है, कोई भी समस्या है, बच्चे की प्रॉब्लम से उसको बाहर ला सकते हैं। ये प्रोग्राम जब मैंने सीखा लॉकडाउन के पहले, मैं बता दूँ, मैंने 2 दिन में लाखों रुपए अर्न करता था, और लॉकडाउन जैसे ही हुआ तो मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो करियर है, वो रुका नहीं, वो चलते रहा। मैंने इसको ऑनलाइन लिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीडियो कोर्स बनाया और सेल किया। और यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सीख सकते हैं, ना इसमें रिसेशन है, ना इसमें कंपटीशन है। मैं अकेले सिखा रहा हूँ तो आप क्यों नहीं मेरे कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। यस माय फ्रेंड्स, मैं कॉम्पिटिटर डेवलप करना चाहता हूँ, तभी तो मज़ा आने वाला है। तो ये आप अपने सिटीज़ में इसको सिखा सकते हैं, आप खुद इसे सीख के अपने बच्चों को चेंज कर सकते हैं। ये क्या करियर है, ये कैसे करना है, ये क्या ही ये थर्ड आए, अगर पता नहीं है ना, तो ये जो वीडियो है ना, इसको पूरा देखिए और आप जो है हमारी टीम को या फिर मुझे कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थर्ड आए के अंदर आप एक बहुत बड़ा
करियर बना सकते हैं। मैं पिछले 6 साल से सिखा रहा हूँ, मेरी जर्नी जो है आप यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ये करियर बहुत जबरदस्त है, वीडियो देखिए। एक बार फिर आपका स्वागत है आईबीएन 7 में, रिचा और मैं सुमित आपके साथ लगातार मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के लिए देखना समझना बहुत जरूरी है, और खासकर उनके लिए जिनके बच्चे 5 से 15 साल के बीच के हैं। एक ऐसी टेक्निक एक विज्ञान के द्वारा डेवलप हुई है जिसमें केवल आप अगर आप देख सकते हैं, अगर आपकी आंखें कभी भी ठीक नहीं है और आपकी आंखों पर अगर पट्टी बांधी जाए तो आप अपनी उस ताकत के जरिए बंद आंखों से भी समझ सकते हैं कि आप क्या देख पा रहे हैं, आपके सामने कौन सा रंग है, कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है, केवल छू के स्पर्श से आप पहचान सकते हैं। और ये हिंदुस्तान में हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे इस चीज को कर रहे हैं, इसीलिए देश के तमाम लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जो इस चीज को समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बच्चा 5 से 15 साल का है, मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे की थर्ड आई खोल दीजिए। आपके बच्चे की कोई भी समस्या है, जैसे टीवी, मोबाइल, या फिर पढ़ाई में कमजोर है, या फिर बहुत गुस्सा करता है, या फिर बहुत जिद्दी हो चुका है, कोई भी समस्या है, तो उसकी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड खोल दीजिए, एक्टिवेशन कीजिए। 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, 5, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को लाइफ टाइम दिखेगा, आंखें बंद करके और लिखेगा पढ़ेगा उसको लाइफ टाइम दिखने वाला है। जैसे झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे सम्राट अशोक, एग्जैक्टली हमारे बच्चों को एक आंख मिलने वाली है, तीसरी आंख, जो उसको लाइफ टाइम मानो की आंख। सेकेंड जो फायदा है, आपके बच्चे का मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन पावरफुल होगा। जैसे आंखें बंद करके जब वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो अपने राइट ब्रेन इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, कल्पना शक्ति, और आंखें बंद है, किताब पढ़ रहे हैं, बुक को हटा भी दीजिए तभी भी उनको दिखता है, उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी क्या कहते हैं सुनिए। आंख बंद करके भी चीज़ों को देख सकते हैं, और बहुत जल्दी एक बार चीज़ों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि सारी चीज़ें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आँखें, ऐसे हमारी पीनियल जो ग्लैंड है उस वो भी आँख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर, इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग, कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्ञा चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा है, आपके बच्चे का चश्मा निकलने वाला है, आपके बच्चों को कभी चश्मा नहीं लग सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में मेडिटेशन, आई एक्सरसाइज, त्राटक ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं, जिस वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ती है और हम अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं, आपके बच्चे की आंखें सुरक्षित रहने वाली है थर्ड आई से। चौथा फायदा है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ता है, यस, उसका जो कॉन्फिडेंट है, मानो मेरे काफी स्टूडेंट है वो स्कूल में 1 एक्ट शो दिखाते हैं। छान त्याच्यासाठी क्लॅप हो जाऊया, एक बरोबर सांगतो आता हे आहे आणि हे सांग काय आहे। आर, वाओ, आर, मेरे काफी सारे स्टूडेंट है वो न्यूज़पेपर में गए हैं, यस, उनका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आया है। इतना ही नहीं, मेरे काफी सारे स्टूडेंट वो मीडियाज में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं। आपके बच्चे के बारे, आपके बच्चे का डर है, वो घबराता है, तो सिखाइए, आंखें बंद करके कोई मेहमान आए तो दिखाइए उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल बढ़ाइए। 5वां फायदा मैं बता रहा हूँ इसके लिए करना है, थर्ड एक्टिवेशन जो है हमारे डिफेंस करना है, क्योंकि हमारे 5 सेंस एक्टिवेट होते हैं, यस, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये इतने एक्टिवेट होते हैं। स्मेलिंग से बच्चा किताबें याद करता है, या फिर टच से किताबें पढ़ता है, फ्लिप करके पूरे के पूरे किताब पढ़ लेता है, ये जो पावर है इसके लिए करना है, उसके सेंसरी डेवलपमेंट कीजिए। हमारे जो इनपुट्स है जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जैसे आटा होता है उससे हमें चपाती बनानी है, 10 चपाती बनानी है,
मानो कि आपके पास आटा बहुत कम है और आपको कहा गया कि आपको 10 चपाती बनानी, तो आप चाहे वैसे बना नहीं सकते हो क्योंकि इनपुट आपको कम मिला है। एग्जैक्टली जो ज्ञान का इंद्रिय है, मानो कि सेंसेस है, अगर वो कम इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे हम स्मेलिंग का यूज़ पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, टच का यूज़ पढ़ाई में नहीं करते हैं, आवाज़ का यूज़ पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं। सुनिए, ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओहो सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और, सबसे ओएमजी वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई कैसे? गाइस ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है। एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमने बात की जीत के टीचर भरत पटेल से, जो एक सर्टिफाइड ब्यूरो फीडबैक ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। उनका सेंस के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल, एक सेंस को बाईपास करो तो दूसरे सेंस से वो परफॉर्म कर सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, हम हमारे हर सेंस को सुपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं। आपके बच्चों को ये सिखाने वाला हो, आप घर बैठे इस प्रोसेस को सीख सकते हैं, आप खुद इस प्रोसेस को जान सकते हैं। आपके बच्चों को मैं सिखाने वाला हूँ, 10 लाख बच्चों को मेरा मिशन है सिखाने का। और ये सीखने के लिए आपको 1000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ये सभी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो देर ना कीजिए, अभी नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कीजिए और आप ये सभी चीज़ें घर बैठे सीखिए, कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बस नीचे दिए नंबर पे कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कॉल कीजिए, हमारा जो टीम है आपको हेल्प करेगा। तो आपको मैं बताऊँ, मेरी बेटी 4 साल की है और वो आंखें बंद करके कार्ड्स को पहचानती है। मुझे बहुत खुशी होती कि उसका मैं करियर इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। तो आपके बच्चे का भी करियर आप बना सकते हैं। थर्ड आई, ये जो साइंस है इसको समझिए। आप और जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हैं और अपनी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठलेही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगलं आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय TV, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचं न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी कमी होतात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात। आता हे अवनीचे अनुजचे वडील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील। ह्याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात। मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा, आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं। शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला ते चक्र सगळे जागृत केले जातात। आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे। एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं। त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला, आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या। नमस्ते, मेरा नाम विद्या आहे। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के जरिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत, अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे TV देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है। और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए, इतना ही कोर्स अच्छा है। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो क्लासेस लावला होता
आणि त्या क्लास विषयी मी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला. मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते. मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी, माझ्या मुलांनाही दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे. तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही, पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो. त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे. मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दही हंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड ओळखू शकते, माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालंय. पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले, पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दही हंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं, आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो, आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिवेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले, माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. मला कॉन्फिडन्सही वाढला, परत माझी जी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असे स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले, सर्वांचं ऐकायला लागली, जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी सुद्धा चेंज झालाय, म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद देऊ तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिवेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय, म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतं. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे यामुळे, असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे, माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. चार बातें, छोटी ही चार बातें क्विकली. पहली चीज, जो भी आप काम करना चाहते हैं क्या उस काम को करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं मिले तो भी आप वो काम करने को तैयार हैं? ये करियर के लिए बड़ा जरूरी है क्योंकि कई बार व्यक्ति पे दबाव पड़ता है वो काम करता है जिससे उसका प्रभाव नहीं पड़ता. जब दबाव बढ़ता है तो प्रभाव नहीं बढ़ता. दूसरा चीज, जो काम आप करना चाहते हैं, जो आप करियर बिल्ड करना चाहते हैं, क्या उसको करते वक्त आपकी इंप्रूवमेंट, बेहतरी, बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही. स्टेप टू, अगर ये दोनों का आंसर यस है तो तीसरे स्टेप पे चलिए. और तीसरा स्टेप है, जो करियर आप लेने वाले हैं क्या उसका समाज में कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये स्टेप थ्री. तो चौथा, क्या उस काम को करने के पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये पैसा आखिरी में है. अगर ये तीन स्टेप में हां है और चौथे में पैसा मिलना पॉसिबल है तो इतना पैसा मिलेगा, जिंदगी में गिनने में थक जाओगे, इतना पैसा मिलेगा गिन नहीं पाओगे.